કેમ છો દોસ્તો? મજામાં? હા, અભી મેં લેકે આયા હું ને વીકેન્ડ કા વાત. અભી કુછ દિનો પહેલે હમારે કો ખબર મિલી, એક આદમી જો હે ઉસને પાપડ બનાયા હે, પાપડ, ભાભીજી પાપડ. વો મંત્રી ભી હે, મંત્રી હે, ઉન્હોને પાપડ બનાયા હે કોરોના ખતમ કરને કે લિયે. अरे मेरी जीनल बोली, पापा मैं खाकरा बना दूंगी कोरोना के लिए, तुम ऐलान कर दो, हमारा खाकरा भी बहुत बिकेगा. मैंने बोला वो मंत्री है, वो कुछ भी बेचेगा चलेगा, लोग ले लेंगे, आम आदमी से कोई नहीं लेता है. और फिर दूसरी खबर आई, एक बेचारा छोटा बच्चा अंडे बेचता था इंदौर में, पुलिस वाला आया बोला 100 रुपए दो. वो बोला मैंने तो 10 रुपए के अंडे नहीं बेचे अंकल, मैं आपको कैसे दे दूं. अब देखो पुलिस वाले का जुल्म, उसका सारा अंडा उठा के फेंक दिया. पुलिस वाले ने तो उसका बुरा करने के लिए अंडा फेंका था, मगर किस्मत ने उसका साथ दे दिया. उसको बड़े बड़े मंत्री लोग के फोन आए, 5 लाख तो CM साहब जो हमारे दिल्ली के हैं उन्होंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. वहाँ के लोकल MLA ने उसको साइकिल दे दी, जे बच्चे साइकिल से जाए स्कूल. कभी कभी कहते हैं ने ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाता है, ऐसे ऐसे फेक लोग होते हैं ने दुनिया में. अभी क्या बोलूँ मैं आपको, आजकल फेक फॉलोवर भी बन गए. अरे वो इंस्टाग्राम होते हैं ने, उस पर झूठा झूठा फॉलोवर बनाते. अभी बम्बई में 2 लोगों को पकड़ा, उनसे पूछा कैसे किया, उन्होंने बोला कि हम जो है हमारा तरकीब तुमको नहीं बताएंगे, हमें गिरफ्तार कर लो, मगर 2 लोगों के नाम बता दिए उन्होंने. हैं ओए, कोई पद्दू कौन है और चोपड़ा, उनका 50 मिलियन में वो चला गया फॉलोवर. अरे इतना तो दुनिया का आबादी भी नहीं है जितना उनका फॉलोवर बढ़ गया. अब बोलो ने इतना फेक फेक बनाएंगे तो पकड़ेंगे ना लोग. अभी एक और न्यूज़ आए, एक इंदौर की लड़की है ने, लड़की क्या है ने, औरत है, रईसा अंसारी, वो सब्जी बेच रही थी बेचारी, उसका सब्जी का ठेला पुलिस ने इधर फेंका उधर फेंका, बहुत परेशान. और उसने जब बोलना शुरू किया तो इंग्लिश में फटाफट इधर इंग्लिश बोला, बोल बोलो तो फेमस हो गए. अरे इंग्लिश बोलने से कोई फेमस हो जाता है यार, बताओ. अगर एक ठेले वाली ने इंग्लिश बोल दी तो उसका वीडियो वायरल हो गया. हिंदी में भीख मांगते तो कोई नहीं देते हैं उसको, अगर कोई भिखारी इंग्लिश में भीख मांगते ने उसको देते हैं, अरे पाड़ा लिखा भिखारी है इसको दे दो दे दो. अरे कब सुधरोगे तुम लोग, अरे लोगों का जरूरत समझो. उस औरत पे बेचारी पे क्या बीती होगी ने, PhD करने के बाद में वो सब्जी भाजी बेच रही है. कुछ तो एक्टर के लोग के भी मेरे पास में वीडियो आए थे, वो भी सब्जी भाजी बेच रहे. अभी आसाम है ना, अरे आसाम, अरे हमारे देश में ही है वो. हाँ हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है यार. अरे वहाँ पे तो बहुत बड़ा फ्लड आया, वो क्या बोलते हैं, वो बाढ़ आ गया, सब घर बह गया, सब घर बह, मगर कुछ नहीं बचा. देश में भाईचारा नहीं बचा तो क्या बचेगा, पानी की तरह सब रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं. अभी देखो ना मीडिया वाले वहाँ बाढ़ की जो मुश्किलें गुजर रही हैं लोगों पे वो नहीं दिखाएंगे, वो तो कंगना रावत का जो है इंटरव्यू दिखाएंगे. उनके पास में 2-2 घंटे का 1-1 घंटे का इंटरव्यू दिखाने के लिए फुर्सत है, मगर बाढ़ में जो लोग बेचारे गरीब मर रहे हैं उनका कुछ नहीं दिखाएंगे. और वो कंगना रावत क्या नाम है, मेरे को तो नाम भी लेने में भी बड़ा मुश्किल से जबान में लगता है, कहीं गाली वाली नहीं निकल जाए मुझसे. मैं उसको बताऊँ, वो बोलती है ना डिपोटिज्म डिपोटिज्म, मैं उसको बताता हूँ. वो जो है ने जब इंडस्ट्री में आई थी मैं यही बैग लेके घूमता था, आज भी मेरा बैग उतना ही पुराना ही है उसके साथ का. मैंने देखा ऐसा आदित्य पंचोली के साथ मैं घूमती थी, वो दुबई वुबई भी जाती थी. उसके बाद में शेखर सुमन, फिर उसका बेटा, फिर आदित्य पंचोली का बेटा. अरे कितने कितने तुमने जाके घाट घाट का पानी पिए ने, निपोटिज्म की बात करती हो, तुम्हारी पहली फिल्म ही तुमको जो है वैसी मिली है, तुम्हारी सोच लगा के तो फिल्म मिली, तुमने अपनी मेहनत से क्या किया मुझे बताओ, तुम्हारा अदाकारी में क्या दम है,
तुमने एक फिल्म करी अपने आप, बोली मैं जो है अमेरिका से राइटिंग सीख के आई हूँ, डायरेक्शन सीख के आई हूँ। अरे इतना अच्छा किरदार झांसी की रानी है, अगर वो अगर जिंदा होती ने वो फिल्म देख लेती तो खुदकुशी करके मर जाती, इतनी बुरी एक्टिंग की है तुमने। तुम पहले अपनी नाक का इलाज कराओ। हाँ मेरे को भी बोला है ना डॉक्टर ने, हाँ नाक में कुछ घुसाएंगा तो तुम्हारा नाक साफ होएगा तो डायलॉग साफ साफ निकलेगा, तब जाके तुम्हारी एक्टिंग सुधरेंगी। ये निपोटिज्म पिपोटिज्म को भूल जाओ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कुछ नहीं बोलती हो। अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन को लॉन्च किया क्यों नहीं बोले तुम? धर्मेंद्र ने अपने बेटे को लॉन्च किया उसको नहीं बोलते? अरे वो फिर सोचो सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च किया अभी अभी, इतना खूबसूरत लड़का ऐसे हंसता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी ना? क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं। स्वरा भास्कर को पकड़ोगी, तापसी पन्नू को पकड़ोगी, अरे वो लड़कियां टैलेंटेड हैं, उन्होंने अपना प्रूफ किया अपने आप को, उनकी अदाकारी देखो तुम, उनके बारे में बोलती हो बेचारे अच्छा अदाकारी है वो। हाँ ऐसे नहीं है, रोल छोटे करती हैं मगर उनकी फिल्म ए प्लस होती है। किरदार से ए और बी नहीं होता है, तुम्हारी फिल्में बी ग्रेड की होती हैं कंगना, बता रहा हूँ मैं तुमको। चलो छोड़ो अभी ये बात भी, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने आज मन की बात बोली है, अमरोहा के जो है ने उस्मान छोटा बच्चा वो पास हो गया है, 97% लाया, आज उसको फोन करके बोलते हैं हाउ इज द जोश। अब बच्चा क्या बोलेगा जोश? अरे बच्चों से बच्चों की तरह बात करो, क्या उसको जंग पे भेजना है तुमने? हैं हाउ इज द जोश बोलते हैं। अरे मेरा बेटा बोला पापा पापा मेरे तो 99% आए थे, अभी मैं जाता हूँ ना, मुझे जाके जरा अमिताभ के बिस्तर के नीचे देखना है रात में उन्होंने क्या खाया था, हाँ जो गिरता है वो मैं उसको देख के अंदाजा लगा लेता हूँ। ठीक है मैं मिलता हूँ फिर, बाय।